नाउ गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ मनीष गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग BSCG लेक्चर्स। तो जैसा कि गाइज मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि हमारी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी, तो देन जो आज जो वो डॉगी था उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट की। बट जैसा कि आप सभी का भी नुकसान हो रहा है और हम भी अपने चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, देन उसको मतलब 4-5 दिन हमने ट्रीटमेंट की और लगभग काफ़ी हद तक वो सही हो गया था, जो हमारा वो डॉगी था जो हमें बाहर मिला था। एक्चुअली वो किसी और ने छोड़ दिया था यहाँ आसपास ही, तो देन वो थोड़ा सा क्योर हो चुका था, तो देन उसको आज हम NGO को सौंप पाए। तो देन इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करके आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या रीज़न रहा, और बहुत सा जो आपका फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम था उस पर भी हम वीडियोज़ नहीं डाल पाए, केमिस्ट्री का हुआ आपका एग्ज़ाम उस पर भी नहीं। जैसा कि आज आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, फटाफट थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए थे, आई होप सो वो आए भी होंगे और पूछा भी गया होगा आपका। तो देन आज हम जो है यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है BZYCT 131, जो कि आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पेपर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये कब का है। तो ये December 2022 का है, एनिमल डाइवर्सिटी, वही आपका टाइमिंग 2 आवर होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 50 आवर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवा देता हूँ और कोशिश करूँगा कि शाम तक आप सभी को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जस्ट मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जब मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कलेक्ट कर लूँगा तो देन मैं आपको वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर हमारे नहीं जुड़े हैं, तो उनसे एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि वो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कभी मैं यूट्यूब पे अवेलेबल ना रहूं तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे जो भी हमारे मटेरियल वगैरह है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है? तो हो सकता है केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट थे वो ज्वाइन नहीं किए होंगे टेलीग्राम चैनल, तो उनको नहीं मिल पाया हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले जब भी कभी हम वीडियोज़ नहीं डाल पाएंगे तो आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जाके फटाफट वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लगभग 450 के आसपास वहाँ पर सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो देन गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं कैसे नहीं। तो जैसा कि आपने BBYCT 131 का एग्जामिनेशन दिया था तो उसमें भी आपका क्या लिखा था कि Q1 जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि Q1 जो है क्यों कंपलसरी होता है। तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, क्या? तो सबसे पहला आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, दूसरा आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करने को मिलेगा, और तीसरा जो है उसमें आपको क्या है मैच द फॉलोइंग मिलेगा। यानी ये जो तीनों ही है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही एटलीस्ट देखिए कि बच्चे जो होते हैं ना तुक्का भी मार दे तो वो चीज सही हो जाता है, बट जो हमारे पास पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट उन्हें गलती की बहुत कम ही गुंजाइश है कि वो ट्रू फॉल्स और ये क्या कहते हैं करेक्ट द फॉलोइंग और मैच द फॉलोइंग क्या है गलत करके आ जाए, है ना? तो ये जो है आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, ये आपके ट्रू फॉल्स हो गया और करेक्ट ऑप्शन टिक, ये सारा चीज़ आप कर लेंगे। तो देन यहाँ 2 से लेके 6 वाले जो क्वेश्चन है गाइज, आप सभी को उनमें से 4 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, 2 से लेके 6 तक। तो आपको सबसे पहले नोट को पढ़ लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको मैं फिर से अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन पेपर हमारा। देन यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है लास्ट में आपका आ जाता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो सिंपल जो फॉर्मेट है आपका, जैसा कि BBYCT 131 में आया था, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूँ कल के एग्जाम में भी आपको सिमिलर इसी टाइप का फॉर्मेट मिलने वाला है। क्वेश्चंस की बात करूँ तो थोड़ा सा अदला बदली हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, और कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर हो सके पर्टिकुलर वीडियो भी बना के बता दूँ, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे आंसर्स जो अभी मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए बहुत सारे, थोड़े से डायग्राम की इशू रहेगी यहाँ पे, डायग्राम मैंने नहीं डाले हैं इसमें, बट फिर भी है आपके काम आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें कि आपका ट्रू फॉल्स पूछा गया है, और ट्रू फॉल्स में यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो इसमें पूछ रहा है सिलोमेट्स आर एनिमल्स हुज बॉडी कैविटी इज लाइंड विथ मेसोडर्म। तो यहाँ पे जो आपका सिलोमेट्स होते हैं, क्या उनके बॉडी में जो लाइनिंग होती है गाइज वो क्या मेसोडर्म की होती है? तो बिल्कुल करेक्ट है जी,
आप सभी को मालूम होगा कि जो आपके सिलोमेट्स होते हैं, वो सिलोमेट्स कब कहलाते हैं, जब उन पे एक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर आ जाता है, जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं, है ना। मेसोग्लिया जाके आपका कन्वर्ट हो जाता है मेसोडर्म में, और वो आपका किसमें, सीलोम का फॉर्मेशन करता है ना गाइस। तो ये आपको सीलोम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे दूसरा जो है गाइस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, द होमोग्लोबिन ऑफ एम्फीवियन हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन इन मैमल्स। यानी जो होमोग्लोबिन जो है एम्फीवियन में, उनमें हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की मैमल से ज्यादा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे एम्फीवियन होंगे, एम्फीबियन में होमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक नहीं करता है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, आप सभी जानते होंगे। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो रेस्पायरेशन जो रेट होता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है ना। यहाँ पे जैसे कि मैं बता भी दूँ, यहाँ पे जो होमोग्लोबिन हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन इन एम्फीबियंस, तो ये जो है गाइस यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि मैमल्स के पास क्या, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ होमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक तरीके से एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में प्रोवाइड कराता है, जो कि आपका मैमल्स एम्फीबियंस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स साबित होती है आप सभी के लिए। देन यहाँ पे तीसरा जो है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास इन द एनिमल किंगडम, तो ये क्या सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए क्लास इंसेक्टा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा आपका यहाँ पे क्या होता है, लार्जेस्ट क्लास होता है एनिमल किंगडम में, ठीक है। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चैम्बर्स है कैनाल सिस्टम का, द चैम्बर ऑफ द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस आर नॉट लाइंड बाय द कॉनोसाइट्स। तो देखिए जो आपका जो चैम्बर होता है गाइज, यहाँ पे कैनाल सिस्टम में, कैनाल सिस्टम में वो पूछा गया है, मतलब नहीं होते हैं कोनोसाइट्स उसके स्पॉन्जेस के साइड साइड, जो चैम्बर्स के कैनाल सिस्टम में कोनोसाइट्स नहीं होते, तो ये चीज़ गलत है ना। कोनोसाइट्स होते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि कोनोसाइट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है ना। उसमें आपके फ्लैजला पाए जाते, माइक्रोविली पाए जाते हैं, फ्लैजलम पाए जाते हैं बहुत सारे, है ना, जो कि वाटर के करंट को किस तरीके से फ्लो कराना है उस कैनाल सिस्टम के अंदर, तो उसमें हेल्प करता है आपके। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन के बी में आ जाते हैं, जिसमें कि आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, एस्केरिस मिगेलोसेफला इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ गॉट या हॉर्स, बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका हॉर्स होगा गाइस, ठीक है। ये जो एस्केरिस मिगेलोसेफला जो है, ये आपका हॉर्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है गाइस, ये राउंड वॉर्म का स्पीसीज होता है, ये कॉमनली हॉर्सेस के ही इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, इसमें बोला जा रहा है फ्लेम सेल्स इन प्लेटी हेलमेंथिस आर ऑस्मोरेगुलेटरी होगा या सर्कुलेटरी होगा, है ना, ये बताना है आपको इन फंक्शन। तो देखिए गाइज, फ्लेम सेल्स जो होते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में, ये होते हैं गाइज आपके ऑस्मोरेगुलेटरी होते हैं। जैसे कि फ्लेम सेल्स की बात करें तो ये आपका प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, एक तरह का प्रिमिटिव टाइप ऑफ नेफ्रॉन होता है, जो कि स्पेशलाइज क्या होता है गाइस, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्लेटी हेलमेंथिस में ही पाया जाता है, फ्लैट वॉर्म्स में ही पाया जाता है। ये इनका मेन रोल क्या होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरीके से आयन को बैलेंस करना है बॉडी में, इसमें ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, विटकर द्वारा या कार्ल वोस द्वारा। तो ये बहुत ही इजी आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका आरएच विटकर द्वारा किया गया था ये प्रपोज, जिसमें कि आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी, एनिमेलिया, यहाँ पे फाइव किंगडम आपके इसके अंदर आते थे, जिनका नाम रॉबर्ट विटकर भी पूरा नाम था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ऑर्गेनिज्म इज नोन टू फॉर्म एब्सेसेस इन द ह्यूमन लीवर, लंग और ब्रेन। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो जो कि एक तरीके से क्या करता है गाइस, ह्यूमन बींग के लीवर और लंग और ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है, उसके अंदर जाके रह सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा आंसर, है ना। यहाँ पे आपका पहला क्या है, एंटामीबा हिस्टोली
स्टॉलिटिका या फिर प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे एंटा अमीबा आपका क्या हो जाएगा गाइस, सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक तरीके से ह्यूमन के लीवर, लंग और ब्रेन में जाके रह सकते हैं, है ना। बहुत ही खतरनाक ये एक प्रकार का स्पीसीज होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग को डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, साथ ही साथ लीवर, लंग और ब्रेन में भी ये जाके माइग्रेट कर जाता है ना। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम आपका नहीं होता, प्लाज्मोडियम आपका नॉर्मली मलेरिया काउजिंग, एक तरीके से मलेरिया काउजिंग पैथोजिन होता है एक तरीके का, है ना। तो ये सिर्फ मलेरिया काउज करता है। देन इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है, जिसमें कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला आपका रेबडोमेयर है, तो रेबडोमेयर को हम किससे मिलाएंगे, तो यहाँ पे आपका होगा सेंसिटिव रिसेप्टर, यानी रेबडोमेयर का काम होता है जस्ट किसी चीज़ को देखने का काम, है ना। जैसे कि रेबडोमेयर आपके प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो आप कॉम्प्लेक्स आईज के बारे में पढ़ते हैं ऑर्थोपोडा के आईज में, तो उसमें जो उनका यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है ना, कंपाउंड आईज में ऑर्थ्रोपोड के पाया जाता है, तो वो आपका रेबडोमेयर होता है। देखिए विजन इन ऑर्थ्रोपोड जो आपका टॉपिक है, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको भी देख के समझ सकते हैं अच्छे से। देन यहाँ पे हम बात करें इनका क्या काम होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, कि भैया किस तरफ से लाइट की रेज आ रही है, और एक तरीके से उनके आईज में रेबडोमेयर में जाके ये फोकस होता है। देन ये एक प्रकार का फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर होता है, फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर होता है। देन यहां पे आपका जो कॉपेपोडा है, इसको हमें किससे मिलाना है, तो देखिए कॉपेपोडा को पहला जो ऑप्शन था यहाँ पे कॉलम बी में, साइक्लोप्स जो है साइक्लोप से मिलाना था। कौन कॉपेपोडा जो है गाइज, ये एक सब क्लास है किसका, तो स्मॉल क्रस्टेशियंस का, है ना, जिसमें कि आपके क्रैब वगैरह आते हैं। तो इसमें वेरियस स्पीसीज हो जाते हैं गाइस, तो उनमें से आपका एक स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं साइक्लोप्स, है ना। साइक्लोप्स जो एक ऐसा जीनस है, जो कि वो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले कॉपेपोड्स होते हैं, और एक तरीके से ये साइक्लोप्स के में ही होते हैं ना। तो देन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, यहाँ पे तो थ्री को हमें फोर्थ के साथ मिलाना था। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है ये एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट इन प्रोटोजोन्स में काम आता है, यानी जो प्रोटोजोन्स जो हैं वो अपने वेस्ट को जिस तरीके से रिमूव करते हैं, मेटाबोलाइट्स को रिमूव करते हैं, तो उसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसका काम आता है, ठीक है। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या है गाइस, फ्लो करते हैं जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना होता है अपनी बॉडी से, वो इस प्रकार से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर आता है, जिसमें कि आपका कॉर्पस एलेटम है। देखिए कॉर्पस एलेटम जो है, यहाँ पे आपका सेक्रेशन ऑफ जीएच से मिलाना होगा। जीएच मतलब जुवेनाइल हार्मोन होता है, तो जुवेनाइल हार्मोन मैंने ऑर्थ्रोपोडा में आपको नहीं बताया था, ये मेटामॉर्फोसिस और जीएच हार्मोन ये सारा जो है टॉपिक रह गया था ऑर्थ्रोपोडा में, तो कभी टाइम मिलेगा तो इसको मैं कर दूंगा, खैर आपका एग्जामिनेशन अभी, तो उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए कॉर्पस एलेटम जो है एक प्रकार का ग्लैंड है, जो कि इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, स्पेशली ये क्या होता है कि ये ब्रेन वाले रीजन में पाया जाता है, जो आपका सेरेब्रम होता है, प्रोटोसेरेब्रम, हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वही जो आपका कॉर्पस एलेटम है ये क्या करता है, सेक्रेट करता है क्या, तो जुवेनाइल हार्मोन जीएच हार्मोन सेक्रेट करता है, ये रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी जो आपके इंसेक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट होता है या मेटामॉर्फोसिस होता है। अगर देखिए जुवेनाइल हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा, तो लगातार क्या होते हैं कि जो आपके इंसेक्ट होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते रहते हैं, जिस कारण उन्हें रोकने के लिए ये जेएच हार्मोन जो है काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो कॉर्पस एलेटम एक ग्लैंड है, याद रखिएगा, और क्या सेक्रेट करता है, तो जीएच हार्मोन या जे जुवेनाइल हार्मोन क्या है गाइस, रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, क्लियर है। देन इसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। देखिए मैं इस तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे तो आपका हो सकता है कि हेर फेर करके क्या पता आपसे जुवेनाइल हार्मोन के बारे में पूछ ले, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, दो पेयर दिए गए, ये आपका जो चार क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हॉर्न एंड एंटलर्स और आर्टियोडैक्टाइला और पेरिसोडैक्टाइला में इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद सेरकोप्टेरिजियंस और एक्टिनो
टेरिजिन से है, ठीक है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, देन उसके बाद एंटेरोप्न्यूस्टा और टेरोब्रांचिया में आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो सबसे पहले हम हॉर्न्स और एंटलर्स में बात कर लेते हैं किस तरीके से इनमें डिवीजन से। देखिए इसके बारे में मैंने BZYCT 133 में भी इंटिग्यूमेंट्री वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए हॉर्न्स जो होते हैं यहाँ पे ये किन में पाए जाते हैं, तो हॉर्न्स आर फाउंड इन बोविड्स यानी कैटल हो गया, शिप हो गया, गॉट हो गया, इन सभी में आपके पाए जाते हैं। सम अदर एंगलेट्स है ना, तो कुछ और भी एनिमल्स है जिनमें पाए जाते हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स जो है आर परमानेंट स्ट्रक्चर डेट आर नॉट सेड एंड कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट एन एनिमल्स लाइफ, यानी ये कभी भी झड़ते नहीं है। जैसे बाल वगैरह जो होते हैं, फर वगैरह होते हैं, वो झड़ जाते हैं इंटीग्यूमेंट से, बट ये ऐसा इंटीग्यूमेंट है जो कि शेड नहीं होता है, जीवन भर उस एनिमल के साथ रहता है। देन हॉर्न्स जो है आपके किसके बने होते हैं, तो हॉर्न्स आर कंपोज्ड ऑफ ए बोनी कोर कवर्ड विद अ सीथ सीथ मेड ऑफ कैरेटीन, यानी जो आपके कैरेटीन होता है, आप सभी जानते होंगे कैरेटीन के रिलीज होने से जो वो डेड सेल्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं ना, इस तरीके से हॉर्न का फॉर्मेशन। तो एक तरीके का मतलब कैरेटीन का बना होता है आपका हॉर्न, है ना, बोनी कोर होता है बिल्कुल। एंड उसके बाद हॉर्न जो है गाइस आर नॉट ब्रांच एंड आर यूजली प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ऑल दे मे मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के स्पीसीज में ये प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादातर प्रोमिनेंट आपके क्या होते हैं, मेल्स में होते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। हॉर्न्स जो है टिपिकली क्या होते हैं गाइस, सेड नहीं होते हैं और वो रीग्रो हो सकते हैं। जैसे कि कभी कभी देखते हो गए आप मतलब गाय भैंसों की सींग ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको कट कर देते हैं और वो दोबारा ग्रो हो जाती है, तो ये लगातार ग्रो हो सकती है। देन इसके बाद हम एंटलर्स की बात करें, तो एंटलर्स जो है आपका डियर हो गया, एल्क हो गया या फिर मूज हो गया, इनमें आपको जो 12 सिंगा आपने देखा होगा उनमें जो ब्रांच्ड एक तरह का सींग होता है, सींग कह लीजिए या एंटलर कहते हैं, तो वो जो है काफी ज्यादा ब्रांच्ड होता है, 12 सिंगा भी कहते हैं इसे, तो ये आपके डियर फैमिली में आपको देखने को मिलता है। डियर या फिर डियर फैमिली, एल्क मूज हो गया, इनमें आपको देखने को मिलता है। एंटलर्स जो है गाइस टेम्परली स्ट्रक्चर होता है डेट आर सेड एंड रीग्रोन एनुअली, यानी ये क्या है गाइस, ये जो एनिमल पे होते हैं उस एनिमल में ये झड़ भी सकते हैं और दोबारा से रीग्रो भी हो सकते हैं एनुअली, यानी सालाना ये क्या है, झड़ते भी और रीग्रो भी हो जाते हैं। देन एंटलर्स जो है ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये सॉलिड बोन एंड आर यूजली ब्रांच है और हैव मल्टीपल टाइन्स, तो ये क्या है गाइस, ये सॉलिड बोन के भी बने हो सकते हैं और यूजुअली ये क्या है मल्टीपल टाइन्स के भी मतलब ब्रांच्ड होते हैं ना काफी ज्यादा, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। एंटलर्स जो है गाइस वो टिपिकली आपको कहाँ मिलेगा, तो मेल्स के अंदर आपको पाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्यू एक्सेप्शंस है, जैसे कि जो रेंडियर हो गया उसमें आपके क्या है, फीमेल के पास भी ये एंटलर्स मौजूद होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो क्या होते हैं गाइस, मेल जो भी स्पीसीज होते हैं डियर के उसमें आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रेंडियर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्सेप्शन है जिसमें कि आपको फीमेल स्पीसीज में भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आपका एंटलर है, ये भी आपका क्या है, सालाना झड़ भी जाता है और ये ग्रो भी हो जाता है, जब इनकी ब्रीडिंग सीजन आती है तो ये वापस से ग्रो हो जाते हैं, तो ये कुछ आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या था जिसमें कि आपको डिफरेंशिएट करना था, तो एरिटोडैक्टाइला और पेरिसोडैक्टाइला, ठीक है। एरिटोडैक्टाइला अभी देखिए इनमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एरिटोडैक्टाइला की बात करें तो एरिटोडैक्टाइला जो है ये एक ऑर्डर है मैमल का जिसमें कि आपके इवेंट टोड एंड अंगलेट्स ये सारे आपके आते हैं। तो देखिए एनिमल्स इन द ऑर्डर एरिटोडैक्टाइला एंड इवन नंबर ऑफ फंक्शनल टोज, यानी उनके कुछ फंक्शनल टोज होते हैं जैसे कि यूजुअली 2 और 4 भी हो सकते हैं इन देयर फिट। एग्जांपल एरिटोडैक्टाइलास क्या होते हैं, तो गाइस जो कैटल हो गए, शिप, गॉट और पिग, डियर और जिराफ, है ना, हिप्पोपोटामस, ये सारे आपके एरिटोडैक्टाइलास में आते हैं। और पेरिसोडैक्टाइलास की बात करें तो पेरिसोडैक्टाइला जो ऑर्डर है मैमल का, यहाँ पे आपके ऑर्ड टोड अंगुलेट्स वाले आते हैं, जैसे कि एनिमल जो हो गए आपके ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइला के, इनमें ऑर्ड नंबर ऑफ क्या होते हैं गाइस, फंक्शनल टोज होते हैं, यानी इनमें 3 उंगलियाँ होती हैं इन एनिमल्स में,
जो कि इनके फंक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो पेरिसोडेक्टाइल आपका हॉर्स हो गया, जेब्रा हो गया, राइनोसोरस हो गया, फिर टैपरिस हो गया, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम बात कर लें सेरकोपेट्रिजियंस और एक्टिनोपेट्रिजियंस की। तो देखिए सेरकोपेट्रिजियंस की बात करें तो ये जो ग्रुप है इसमें आपके बोनी फिशेज आते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं था और हमने ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा आधा रह गया था हमारा। खैर देखिए ये जो स्पीसीज है बोनी फिशेज की, ये आपके इंक्लूडेड होते हैं लंग फिशेज और क्या है ये सिलिकेंस जो है इनमें पाए जाते हैं। बात करें टेट्रापोड्स, ये कैसे होते हैं, मतलब टेट्रापोड्स की तरह होते हैं ना, फोर लिम्ड सच एज एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स की तरह। देखिए ये कैसे होते हैं सेरकोपेट्रिजियंस, तो ये हैव अ फ्लैसी लोब्ड फिन, यानी फ्लैसी होते हैं और इनका जो फिन होता है गाइस वो लोब्ड होता है। और ये क्या है, कंटेन क्या करता है, तो स्केलेटन एलिमेंट कंटेन करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये बोनी फिशेज होते हैं और इनमें लिम्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो सेरकोपेट्रिजियंस है गाइज, ये इंक्लूडेड होते हैं लंग फिश और जैसे कि सिलोकेंस की बात करी हमने। और बात करें एक्टिनो पेट्रिजिन्स की, तो एक्टिनो पेट्रिजिन जो है वैसे ग्रुप होता है, वैसा ग्रुप होता है बोनीफिस का, जिसमें कि वास्ट मेजोरिटी जो होती है वो फिश स्पीसीज की होती है। तो एक्टिनो पेट्रिजिन्स जैसा कि आपका बोनी रेस फिशेज होती है ना, जिनमें आपके क्या होते हैं गाइस फिन्स होते हैं ना, तो इनको हम एक्टिनो पेट्रिजिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिनो पेट्रिजिन जो है इनमें आपके सॉल्मन, ट्रोट, टूना, गॉड या कॉड या फिर गोल्ड फिश या फिर और भी बहुत सारी फिशेज होती है जो कि एक्टिनो पेट्रिजिन में आते हैं। तो ढाई नंबर के लिए काफ़ी है ये। मेन मेन पॉइंट लिख दोगे तो आपको आंसर के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप मेन मेन पॉइंट नहीं लिखते हैं और कुछ भी आप लिखा आते हैं तो थोड़े से हो सकते हैं कि आपके मार्क्स चले जाए। दूसरा वॉल्यूम वैसे भी हमारा रह गया था, पूरा हो नहीं पाया था। देन इंटरप न्यूस्टा और टेरप ब्रांचिया की बात करें तो इंटरप न्यूस्टा जो है ये आपका क्लास जो है ये किसका है, तो मरीन इनवर्टिब्रेट्स का है, कॉमनली नोन एज एकॉर्न वॉन भी हम इन्हें कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं मैं बताता हूँ। एंटरप न्यूस्टस जो है ये वॉर्म लाइक एनिमल होता है, ये किस तरीके का दिखता है, तो कीड़े की तरह दिखता है बिल्कुल। और ये क्या है, सेडिमेंट में, मरीन सेडिमेंट में यानी जो आपका समुद्र होता है समुद्र के तल में, वो गड्ढे बनाकर क्या है, गड्ढे बनाकर यू शेप का गड्ढा बनाता है ये, और इसी के अंदर ये रहता है। बात करें इनके प्रोबोसिस की, तो ये प्रोबोसिस की मदद से यानी उसके माउथ से जो आगे वाला जो पार्ट होता है उससे वो फीडिंग करता है ना, एक तरह का फीडिंग ऑर्गन की तरह ये काम करता है। और ये जो वॉर्म लाइक स्पीसीज है इसका जो आप एंटीरियर देखोगे और पोस्टीरियर एंड देखोगे दोनों ही आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। देन बात करें टेरोब्रांचिया की, बात करें तो टेरोब्रांचिया एक स्मॉल क्लास है जिसमें कि कॉलोनियल मराइन इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। टेरो ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे आपको फिल्टर फीडिंग एनिमल्स मिल जाएंगे, जो कि क्या है सेक्रेटेड ट्यूब्स मेड ऑफ काइटिन, काइटिन के एक ट्यूब में रहना ये पसंद करते हैं। दे हैव टेंटकुलेटेड आर्म्स, इनके पास क्या होता है गाइस, टेंटकुलेटेड आर्म्स होते हैं जिसे हम नॉर्मली जोइड्स भी कहते हैं। और ये एक्सटेंडेड कहाँ मिलेंगे, तो इनका ट्यूब जो है गाइस ये कैप्चर फूड को कैप्चर या फूड के पार्टिकल को जो वाटर में तैर रहे हैं फिल्टर फीडिंग की मदद से वो इन्हें करने की खाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर टू हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो इसमें आपको कह रहा है कि डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ टेप वॉर्म, यानी जो टाइनिया सोलियम जो है आपका एनिलिडा का है ना स्पीसीज, तो इस स्पीसीज में जो है गाइस आपको बताना है कि लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे डायग्राम आप बना दो अगर इस क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छा रह सकता है, आपको थोड़ा कम लिखना पड़े इसके बारे में। डायग्राम इसमें कहाँ नहीं है बनाने को, लेकिन लाइफ साइकिल को जब कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप बुक से एक बार डायग्राम को देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसके आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी में आपका क्वेश्चन दूसरा है कि जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट एनी फाइव सेलियंट फीचर ऑफ क्लास एम्फीविया, यानी आपको पांच सेलियंट फीचर के बारे में बताना है क्लास एम्फीविया के। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ टाइनिया सोलियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो आपके टेप वॉर्म है ना, इसे पिग के अंदर ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। तो एडल्ट स्टेज की बात करें सबसे पहला, तो एडल्ट टाइनिया सोलियम जो होता है गाइज वो पैरासाइटिक फ्लैट वॉर्म होता है, और ये क्या होते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ह्यूमन बींग के उसके अंदर ये इंटेक, मतलब
कोई भी कंटामिनेटेड फूड हो उसके थ्रू ये क्या आ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। या फिर कभी कभी हम पिग वगैरह को भी ईट कर लेते हैं, मतलब जो करते होंगे वो क्या होता है, उनके भी इंटेस्टाइन में ये दाखिल हो जाता है। इनके छोटे छोटे एग्स होते हैं वो काफ़ी सारे मात्रा में आ जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सेगमेंटेड बॉडी नोन एज टेपॉर्म, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा बॉडी अपने अंदर कंसिस्ट करता है और बिल्कुल चपटा डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनेड होता है, जिस कारण ये टेप वॉर्म क्या होता है गाइस आपको देखने को मिलता है, ये लंबा सा टेप जैसा। देन बात कर ले इसके एग की, तो एक एडल्ट टेप वॉर्म जो है प्रोड्यूस न्यूमरस एग्स, यानी एक एडल्ट टेप वॉर्म क्या है बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, विच आर रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट थ्रू द फाइसेस ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट। यानी ये इन्वायरमेंट में किस तरीके से रिलीज होगा, तो जो ह्यूमन बींग अपने वेस्ट को रिलीज करता है वो जो उनका फाइसेस होता है उसके जरिए ये बाहर आ सकता है, ह्यूमन को एज अ होस्ट बना के रखता है ये। बात करें इसके एग्स की, तो ये कैसे होते हैं गाइस, स्फेरिकल होते हैं शेप में और ये कंटेन क्या करके रखते हैं, एम्ब्रियो कंटेन करके रखते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, ऑनकोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो को इनके हम ऑनकोस्फेयर कहते हैं। बात करें तीसरा इंटरमीडिएट होस्ट की, तो देखिए एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं इनके, तो इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है इनमें, तो जो टाइनिया सोलियम है इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट होस्ट, यानी इनके एक इंटरमीडिएट होस्ट भी आता है जिसे हम विच इज़ टिपिकली अ पिग बट कैन ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन और अदर मैमल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि इसमें पिग जो है ये इंक्लूड होता है, लेकिन कई केसेस में ये ह्यूमन और अदर मैमल्स में भी ये हो सकता है। द एग इंजेस्टेड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट हैच इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम रिलीजिंग द ऑनकोस्फेयर। तो देखिए क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं गाइज ये इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चला जाता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हैच हो जाता है, यानी ये अंडे फूट जाते हैं और इनमें से जो इनके एम्ब्रियो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिनको हम ऑनकोस्फेयर कहते हैं। चौथा हम बात करें इसके लार्वल स्टेजेस की, तो लार्वल स्टेजेस में जो ये ऑनकोस्फेयर है ये किस तरीके से पेनेट्रेट करते हैं, तो ये पेनेट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट एंड माइग्रेट्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस ऑर्गन्स। यानी ये क्या कर देते हैं गाइज, ये इंटेस्टाइनल वॉल जो है हमारे इंटेस्टाइन का जो होता है उसको पेनेट्रेट कर देते हैं, यानी छिद्र कर देते हैं, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, माइग्रेट कर जाते हैं, उनके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, खून रक्त में घुस जाते हैं, उसके बाद ये वेरियस ऑर्गन को जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर्टिकुलरली हम बात करें तो किसी भी मैमल या एनिमल के अंदर जाके वो उसके मसल्स को इन्फेक्ट सबसे पहले जाके करता है। हियर इट डेवलप इन टू अ लार्वल स्टेज नोन एज द सिस्टी सर्कस और अ ब्लैडर वॉर्म, है ना। तो ये जाके क्या करता है लार्वल स्टेजेस में, ये जाके सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म कहलाता है। बात कर ले इसके पांचवा लाइफ साइकिल की बात कर ले, तो सिस्टी सर्कस की बात करें तो ये सिस्टी सर्कस जो है इज द फ्लूड फिल्ड सैक कंटेनिंग इन्वेजिनेटेड स्कोलेक्स हेड। यानी ये क्या है, ये जो सिस्टी सर्कस है गाइज ये एक तरह का फ्लूड फिल्ड बैग सैक कह लीजिए या बैग कह लीजिए, ये कंटेन करके क्या रखता है, तो एक इन्वेजिनेटेड स्कोलेक्स जिसको जो कि उसका हेड वाला पार्ट होता है ना, तो वो रहता है। साथ ही इसमें क्या होता है, हुक और शक्कर भी होते हैं ना, जिससे कि वो शक्कर क्या करता है वो चिपक जाता है और वहां से जो ब्लड वगैरह वो सक करता रहता है, ठीक है। बात करें इसमें ये इट रिमेन इन द मसल टिश्यू ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, ये क्या करता है, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो कि आपका पिग भी हो सकता है, मैमल भी होता हो सकता है, उसके मसल टिश्यू में जाके वो क्या कर जाता है, वहाँ पे एक तरीके से उसमें जाके इंटरमीडिएट होस्ट में फीड करना स्टार्ट कर देता है, फॉर्मिंग सिस्ट नोन एज सिस्टी सर्काई। अब ये क्या है कि ये सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगता है, सिस्ट एक प्रकार का होता है ना, जो कि एक सही मौसम में आने पर या फिर कहें फेवरेबल कंडीशन में वो एक तरीके से फॉर्म होता है ना। तो सिस्टी सर्काई कैन परसिस्ट फॉर अ मंथ और ईयर, यानी अगर सिस्ट जो एक बार फॉर्म कर ले तो वो काफ़ी समय तक, अगर मान लिया फाइसिस के थ्रू बाहर निकल भी जाता है तो वो उसके अंडे जो हैं या सिस्ट फॉर्मेशन होने के बाद सिस्टी सर्काई जो है ये काफ़ी समय तक मिट्टी के अंदर रह सकते हैं बिना इनको नुकसान पहुँचे, है ना। तो कुछ इस प्रकार का होता है। छठा जो है ह्यूमन इन्फेक्शन की बात करें, तो ह्यूमन कंज्यूम अंडर कुक्ड कंटामिनेटेड पोक कंटेनिंग सिस्टी सर्काई। यानी कुछ वैसे ह्यूमन क्या करते हैं कि जो अंडर कुक यानी अध कच्चा क्या करते हैं पोर्क को ईट कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है उनके मसल्स के अंदर सिस्टी सर्काई होता है, और वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम द इन्फेक्टिव होस्ट फॉर टाइनिया सोलियम, और वो क्या हो जाते हैं कि डाइजेस्टिव होस्ट जो टाइनिया सोलियम है उनके द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं।
बात करें सिस्टी सरकाई की, तो ये रिलीज हो जाते हैं सिस्ट के फॉर्म में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यहाँ पे इनका जो स्कॉलेक्स है एक तरीके से अटैच हो जाता है इंटेस्टाइनल वॉल में, और ये वापस से एडल्ट टेप वॉर्म में ये ग्रो हो जाते हैं। बात करें तो लाइफ साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है एडल्ट टेप वॉर्म में, और इसी तरीके से ये फिर से प्रोड्यूस करते हैं एग और ये एक्सक्रीट कर देते हैं एक्सक्रीटेड इन दी फाइसेस और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में क्या है पोटेंशियल इन्फेक्टिंग न्यू इंटरमीडिएट होस्ट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, घास वगैरह में भी आ जाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो आई होप सो समझ गए होंगे आप। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें कि आपको सेलियंट फीचर ऑफ एम्फीबिया के बारे में बताना है। तो देखिए ये जो एम्फीबिया आर टेट्रापोड्स, मीनिंग मतलब इनके पास चार लिम्ब आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो लिम्ब है ये वेरियस मोड ऑफ लोकोमोशन के लिए अडेप्टेबल होते हैं, जैसे कि हम बात करें ये वॉकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और साथ ही जंपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने फ्रॉग में देखा भी होगा। बात करें इनका जो स्किन होता है गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है, क्योंकि जो एम्फीबिया है इनके ऊपर एक थिन परमेबल स्किन होती है जो कि यूजुअली इसको मॉइस्ट करने के लिए काम करती रहती है। बात करें स्किन प्लेज अ वाइटल रोल इन रेस्पायरेशन, यानी इनमें क्या होता है स्किन जो है रेस्पायरेशन में भी रोल निभाता है अपना, इसमें पल्मोनरी रेस्पायरेशन, जो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं उसको हम पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ये लगातार स्किन के थ्रू भी इनसे होता रहता है। कुछ एम्फीबियंस जो है उनके पास क्या होते हैं हैव अ ग्लैंड्स इन देयर स्किन डेट सेक्रेट टॉक्सिन्स फॉर डिफेंस, यानी कुछ स्किन्स पे क्या होते हैं कि उनके ऐसे सब्सटेंस रिलीज हो रहे होते हैं ऐसे, वो जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं ना वो डिफेंस के लिए एज अ यूज़ करते हैं, तो कुछ ग्लैंड्स की वजह से होता है ये इनके। देन कुछ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है मेटामॉर्फोसिस, ये भी फीचर है एम्फीबिया का। तो मोस्ट एम्फीबियंस जो हैं वो क्या है मेटामॉर्फोसिस में चले जाते हैं, जिसमें कि आप देखे भी होंगे कि उनमें जो एक एक्वेटिक लार्वल स्टेज है ना, सच है जिसे हम टेडपोल कहते हैं, वो एक तरीके से टेरेस्टेरियल और सेमी एक्वेटिक एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडी फॉर्म, यानी मेटामॉर्फोसिस के दौरान इनमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इनके बॉडी में परिवर्तन आ रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ लिम्स और लंग्स, यानी जैसा कि उनके पास पहले लिम्स और लंग्स नहीं होते हैं, तो वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में लिम्स और लंग्स भी उनमें डेवलप हो जाते हैं, गिल्स होते हैं ना, आप सभी जानते होंगे गिल्स से वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। बात करें ड्यूअल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपके एम्फीबियंस में ही पाए जाते हैं, तो एम्फीबियंस हैव अ ड्यूअल रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन पे दो प्रकार की रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। एज लार्वल दे रेस्पायर प्राइमरली थ्रू गिल्स, तो जैसा कि मैंने अभी सभी आप सभी को बताया कि जो आपके एम्फीबियंस होते हैं वो गिल्स के जरिए भी रेस्पायरेशन करते हैं जब वो लार्वल स्टेजेस में होते हैं। वो क्या करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन, मतलब जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उनका जो गिल्स होता है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये जो एडल्ट एम्फीबियंस है ये इनके अंदर लंग्स डेवलप हो जाता है एयर को ब्रीथ करने के लिए, यानी अब वो क्या है जब वो टेरेस्टेरियल हो जाते हैं तो उनको लंग्स की तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी, तो अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, और साथ में स्किन से भी रेस्पायरेशन वो कर लेते हैं। तो ये तीन चार यहाँ पे रेस्पायरेशन हमें देखने को मिलता है, वैसे डुअल रेस्पायरेटरी सिस्टम हम इन्हें कहते हैं ना, क्योंकि गिल्स और लंग्स दोनों ही इनमें रिप्रेजेंट होते हैं। पांचवा ये एक्टोथर्मिक होता है, यानी एम्फीबियंस क्या होते हैं गाइस एक्टोथर्मिक होता है, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये अपने बाहर के तापमान से वो खुद को बॉडी को क्या करते हैं गाइस वो टेम्परेचर को अपने रेगुलेट करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनको अपने ब्लड को ठंडा करके रखना पड़ता है अपने, है ना, बॉडी को ठंडा करके रखना पड़ता है, तो इस तरीके से ये रेगुलेशन भी कर सकते हैं अपने टेम्परेचर में। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इंटरनल हीट मेटाबॉलिकली, ये क्या है इंटरनली हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें जो रेस्पिरेशन होता है काफी ज्यादा स्लो होता है, तो इस तरीके से ये क्या है गाइस ये इंटरनल हीट जो है नहीं कर पाते हैं। और इनके बिहेवियर की बात करें तो ये तो होते हैं ना थर्म टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, सच एज बास्किंग इन द सन और सीकिंग शेड। तो ये काफी बार आपने देखा होगा इन
एम्फीबियंस को, जैसे कि सेलेमेंडर की बात कर लें तो वो धूप में कुछ बैठे रहते हैं, है ना, जिस तरीके से सेकते हैं ताकि वो बाहर से भी थोड़े बहुत हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये कुछ सैलियंट फीचर है एम्फीबियंस के, है ना। अदर क्लास ऑफ फ्रॉम अदर क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट रिफ्लेक्ट द यूनिक एडप्टेशन बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल हैबिटेट। तो अदर क्लास की तरह इसमें भी आपको क्या है, एक्वेटिक और टेरेस्टेरियल हैबिटेट दोनों के ही सैलियंट फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें कि आपको सेलियंट फीचर के बारे में बताना है क्रस्टेशिया का, और यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा के डिस्क टॉर्जन के इफेक्ट के बारे में भी बताना है। तो फटाफट यहाँ पे हम क्रस्टेशिया के सेलियंट फीचर को देख लेते हैं। तो क्रस्टेशिया जो है, सबसे पहले आपका ये ऑर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और इसके एक्सोस्केलेटन आप सभी जानते होंगे कि इनका एक्सोस्केलेटन हार्ड एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जो कि आपका काइटिन का बना होता है। ये प्रोवाइड कराता है इनको प्रोटेक्शन, और साथ ही ये क्या है, एज वेल एज अ सर्विंग एज अ साइट फॉर मसल अटैचिंग, है ना। इनके क्या होते हैं, मसल्स वगैरह जो है इनके एक्सोस्केलेटन से अटैच होते हैं। इट मस्ट बी पीरियोडिकली मोल्टेड एंड रिप्लेस्ड टू एकोमोडेट ग्रोथ, यानी इनके जो क्या कहते हैं, सालाना ये अपने क्या करते हैं, स्किन को मोल्ट भी कर देते हैं, शेड भी कर देते हैं, है ना, और जिसके कारण इनका ग्रोथ भी होता रहता है। देन बात कर लें, इनमें बायोरेमोस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस के पास बायोरेमोस यानी टू ब्रांच्ड वाले अपेंडेजेस होते हैं उनके लिम्स में, जो कि डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेज में, है ना। और इनके अदर ब्रांच जो है ये क्या कहलाते हैं, एक्सोपोडाइट, और इनर ब्रांच की बात करें तो ये एंडोपोडाइट कहलाता है। ये जो अपेंडेजेस हैं ये वेरियस फंक्शंस में काम आते हैं, वॉकिंग, फीडिंग, स्विमिंग, रिप्रोडक्शन, तीनों में ही, चारों में ही ये काम आते हैं। तीसरा यहाँ पे कंपाउंड आइज है, जो कि आपके बहुत से क्रस्टेशियंस, बहुत से लार्ज और छोटे क्रस्टेशियंस हैं इनमें आपको मिल जाएंगे। इनमें एक यूनिट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओमेटेडिया कहते हैं। ये एक प्रकार का कंपाउंड आई है जिनमें ये वाइड फील्ड ऑफ विजन को एक तरीके से एप्लीकेबल बनाते हैं, वेल अडप्टेड होते हैं और डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट, एक तरीके से ना चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, इस तरीके के मूवमेंट को ये डिटेक्ट कर लेते हैं अपने ओमेटेडियम से, कंपाउंड आई से। देन चौथा यहाँ पे गिल्स है। क्रस्टेश जो है रेस्पिरेशन जो करता है वो स्पेशलाइज्ड गिल्स इनमें पाया जाता है, इनके अपेंडेजेस में, और इनके गिल्स के ही जरिए ये क्या करते हैं गाइस, एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन को सराउंडिंग से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद यहाँ पे जो क्रस्टेशियंस है गाइस, ये मॉडिफाइड गिल्स है, जैसा कि इन्हें अलाउ करता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए। पांचवा हम बात कर ले इसके सेगमेंटेड बॉडी की, तो जो इनका जो बॉडी होता है क्रस्टेशियंस में, इनमें मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। टिपिकली इनमें क्या होता है, दो रीजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सिपेलो थॉरेक्स और हेड थॉरेक्स, जो कि इनमें फ्यूज होता है, और तीसरा यहाँ पे एब्डोमेन होता है, आप सभी जानते भी होंगे। बात करें इसके सेगमेंट्स की, तो यहाँ पे जो अपेंडेजेस हैं इनमें स्पेसिफिक फंक्शंस में काम आते हैं, जैसे कि फीडिंग, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन, इनमें भी कुछ इसी प्रकार का फंक्शन होता है। अब हम बात कर ले टॉर्जन इन क्लास गैस्ट्रोपोडा की बात कर ले, तो किस तरीके से टॉर्जन इम्पैक्ट जो होता है किस तरीके से गैस्ट्रोपोडा में होता है। जैसा कि आपने स्नेल देखा होगा, स्नेल के अंदर आपका ये टॉर्जन जो है होता है, प्रोसेस होता है, तो ये एक करेक्टरिस्टिक प्रोसेस है जो कि आपके डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। किसके, तो गैस्ट्रोपोड में। ये अपने क्या करते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं अपने अरेंजमेंट को, इंटरनल ऑर्गन को बिल्कुल क्या कर लेते हैं गाइस, ट्विस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कुछ आपके प्रोसेसेस प्रोवाइडेड हैं। तो देखिए कौन से प्रोसेसेस हैं, तो अर्ली डेवलपमेंट में, ये अर्ली स्टेजेस में गैस्ट्रोपोड जो है डेवलपमेंट करते हैं, जस्ट इनका सेल और मेंटल जो है इनिशियली सिमेट्रिकल रहता है, आप सभी जानते हैं। लार्वल स्टेज की बात करें तो गैस्ट्रोपोड क्या है गाइज, अंडरगो, मतलब एक तरीके से लार्वल स्टेज में जब चला जाता है तो वो एक विलेजर लार्वा होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लार्वा पोजेसेस डिस्टिंक्ट लार्वल सेल्स, तो जब ये लार्वल स्टेज में होता है गाइज, तो इनमें काफ़ी सारे लार्वल सेल्स पाए जाते हैं, सिलिएटेड लोब्स भी होते हैं लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। तीसरा हम बात कर ले टॉर्जन की, तो वेलेजर लार्वा जो है गाइस ये डेवलप करता है टॉर्जन, है ना, उनके अंदर टॉर्जन होता है, और ये जो टॉर्जन क्या है, तो एक तरह का ट्विस्टिंग और रोटेशन ऑफ विसरल मास, यानी अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन से ये क्या करने लगते हैं गाइस, ट्विस्ट करने लगते हैं, लार्वल सेल क्या करने लगता है गाइस, ट्विस्ट करने लगता है, जिसके कारण ये ट्विस्टिंग के कारण यहाँ पे जो मेंटल कैविटी है ये क्या करता है, कंटेन करके रखता है गिल्स को और अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, तो ये मूव होके ये क्या चले जाते हैं, जो एंटीरियर वाला, ये पोस्टीरियर वाला पोजिशन था वो अब एंटीरियर पोजिशन में आ जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि जो स्नेल होते हैं उनका जो एनस होता है बिल्कुल इनके पोस्टीरियर
एंड से उठ के एंटीरियर एंड की तरफ आ जाता है। अब बात कर लें इफेक्ट ऑफ टॉर्जन की, तो टॉर्जन में आपको सेवरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनस जो है ओरिजिनली पोजीशन कहाँ होता है, माउथ के पास होता है ना, मतलब क्लोज टू दी माउथ, मूव्स टू दी पोस्टीरियर एंड एंड बॉडी एंड द मेंटल कैविटी एंड गिल्स नाउ लाइव इन द फ्रंट। तो इनका क्या होता है गाइस, जो एनस होता है जो ओरिजिनली पीछे की तरफ होता है एंड पोस्टीरियर एंड में होता है, वो उठ के एंटीरियर एंड में यानी उनके मुंह की तरफ आ जाता है, गिल भी उनके फ्रंट में आ जाता है। और ये जो अरेंजमेंट है एक तरह का यूनिक मिलता है आपको गैस्ट्रोपॉड्स में, है ना, इसको हम क्या कहते हैं ऑपिस्थो ब्रांच भी कहते हैं इस कंडीशन को। एडिशनली हम बात करें तो इनका जो हेड और फूट है ये गैस्ट्रोपॉड में, ये एक तरीके से अब क्या हो जाता है, बिकम असिमेट्रिकल हो जाता है। बात करें सेल कॉइलिंग की, तो यहाँ पे जो टॉर्जन होता है इनमें गैस्ट्रोपॉड में, एक तरह का जो ये करेक्टरिस्टिक जो है कॉइलिंग ऑफ सेल, जिस तरीके से वो अपने सेल को क्या कर लेते हैं गाइस, कॉइल कर लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग वेराइज अमॉन्ग डिफरेंट गैस्ट्रोपॉड स्पीसीज एंड कैन बी आइदर डेक्सट्रल राइट कॉइलिंग एंड सिंस्ट्रल लेफ्ट कॉइलिंग। तो यहाँ पे दो तरह से कॉइलिंग इनमें होती है इनके सेल में, एक होता है राइट कॉइलिंग जिसे हम डेक्सट्रल कहते हैं, और एक होता है लेफ्ट कॉइलिंग जिन्हें हम सिंस्ट्रल कहते हैं। तो यानी जो टॉर्जन एंड सेल कॉइलिंग जो है गैस्ट्रोपॉड आर इसेंशियल एडेप्टेशन है, और एक तरीके से इनके एकोमोडेशन में टॉर्जन हेल्प करता है ना, और एफिशिएंट लोकोमोशन फीडिंग रेस्पायरेशन डाइवर्स मरीन एनवायरनमेंट एंड टेरेस्ट्रियल स्नेल। तो ये आपको इस तरह के स्नेल्स में देखने को मिलते हैं। पांचवा हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर ले, मेक अ की टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। यानी यहाँ पे आपको क्या है आइडेंटिफाई करके बताना है, और पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट ऑफ रोल ऑफ एयर सैक्स इन बर्ड्स की बात की जा रही है, कि जो उनके अंदर एयर बैग पाए जाते हैं बर्ड के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। तो देखिए लुक फॉर वेनमस स्नेक करेक्टरिस्टिक, तो इनका जो हेड होता है गाइस ट्रायंगुलर होता है। तो देखिए वेनमस स्नेक जो होते हैं इनके पास ट्रायंगुलर शेप्ड और ब्रॉडर नेक पाया जाता है। बात करें वर्टिकल प्यूपल्स होते हैं इनमें, यानी वेनमस स्नेक्स जो होते हैं गाइस टिपिकली हैव वर्टिकल प्यूपल पाए जाते हैं रिजेंबलिंग अ स्लिट। हिटिंग सेंसिंग पिट्स, यानी इनमें क्या है गाइस हिटिंग सेंसिंग पिट पाए जाते हैं। पिट यानी सम वेनमस स्नेक पोजेसेस हीट सेंसिंग पिट्स लोकेटेड एट बिटवीन द आई एंड नॉस्ट्रल, यानी इनके आई और नॉस्ट्रल के पास एक हीट सेंसिंग पिट्स पाया जाता है, जो कि वो क्या है कि आप जो भी उसके एनवायरनमेंट में ऐसा कोई गर्म सा या हॉट ब्लडेड एनिमल आता है तो उसको क्या है चीज महसूस हो जाता है, सेंस कर लेता है। एलोंगेटेड फैंग्स, वेनमस स्नेक के पास क्या होता है गाइस, पास फैंग्स होते हैं है ना डसने के लिए, अलाउ फैंग्स लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर माउथ, तो फ्रंट एकदम माउथ के पास होते हैं बिल्कुल बड़े से एकदम दांत से होते हैं नोकीले से, है ना। देन बात कर ले ऑब्जर्व बॉडी करेक्टरिस्टिक्स की, तो बॉडी शेप जो होता है गाइस वेनमस स्नेक्स की, तो ये क्या होता है शॉर्ट बॉडी होता है और शॉर्ट टेल होता है, इनका छोटा पूंछ होता है, जबकि नॉन पॉइजनस की बात करें तो इनमें स्लेंडर बॉडी और लॉन्गर टेल, यानी नॉन पॉइजनस की लंबे पूंछ होती है और बॉडी बहुत ज़्यादा पतली होती है। कलरेशन जो होता है ये इसमें रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा चटकदार रंग होते हैं वेनमस स्पीसीज में, जबकि हम बात करें नॉन पॉइजनस स्नेक की तो इनमें क्या होता है गाइज हैव सिमिलर कलर, सो कलरेशन अलोन इज नॉट डेफिनेटिव इंडिकेटर। तो कलर तो आपका नॉर्मली चाहे वो वेनमस हो चाहे नॉन वेनमस हो, दोनों में ही आपको सिमिलर टाइप देखने को मिलता है। कंसीडर बिहेवियर एंड हैबिटेट की बात करें, तो एग्रेशन की बात करें, जो वेनमस स्नेक होता है गाइज मोर लाइकली एग्जिबिट एग्रेसिव बिहेवियर, काफ़ी ज़्यादा उनका एग्रेसिव बिहेवियर होता है, हिसिंग स्ट्राइकिंग और थ्रेटनेट, यानी जो हिसिंग वाला जो साउंड है इस वाला ये प्रोड्यूस आपका स्नेक द्वारा किया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे कुछ वेनमस स्नेक है ये कॉमनली आपके क्या है स्पेसिफिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया या फिर डेजर्ट हो गया, इन जगह पाए जाते हैं। रिसर्च बताते हैं कि जो स्नेक होते हैं गाइज नेगेटिव रेंज टू डिटरमाइन इफ इट मैचेज द हैबिटेट यू एनकाउंटर इट इन, ठीक है, तो ये मतलब नेगेटिव रेंज में ही आपके देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डेट करेक्टली आइडेंटिफाई स्नेक। तो ये कुछ आपके फीचर्स हो गए पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। देन
रोल ऑफ एयर सैक्स इन बर्ड्स। तो देखिए, जो आपके एयर सैक्स होते हैं या एयर बैग होते हैं आपके बर्ड्स के अंदर, तो क्या काम होता है उनका, हम फटाफट इस पर भी बात कर लेते हैं। तो एयर सैक्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं बर्ड्स के। ये एक प्रकार का क्रूशियल रोल और एफिशिएंट रेस्पिरेटरी को क्या करते हैं, प्ले करते हैं। और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें बर्ड्स में, तो यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट है एयर सैक्स की। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बर्ड जो है हाईली एफिशिएंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है कंपेयर टू मैमल्स। एयर सैक्स जो होते हैं यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं लंग से और एक तरीके रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, मूव एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ये क्या करते हैं, जो लंग्स से जो एयर को है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ मूव कराते हैं। ये एक तरह का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एयर का, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर। देन गैस एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज जो है प्लेस जो होता है आपका इन द लंग्स, एयर सैक्स हेल्प टू मूव फ्रेश एयर इन एंड आउट। तो यहाँ पे जो फ्रेश एयर जो है लंग्स से और क्या होता है, फैसिलिटेट होता है और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है थ्रू एयर, इंश्योर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मीट हाई मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ बर्ड्स। तो बहुत ही ज़्यादा इन्हें मेटाबॉलिकली हाई डिमांड होती है ऑक्सीजन की, तो उनको इस तरीके से प्रोवाइड होता है। बात कर लें इसके थर्मो रेगुलेशंस की, तो एयर सैक्स जो है ये क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, है ना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एयर फ्लो को। और साथ ही साथ एयर सैक्स जो है बर्ड कैन एडजस्ट द बॉडी टेम्परेचर, एयर सैक्स की मदद से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में कर सकते हैं। जहाँ गर्मी होगी वो ठंडा कर लेंगे बॉडी को, जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे गर्म कर लेंगे। देन वोकलाइजेशन की बात करें तो एयर सैक्स क्या है, प्ले करते हैं रोल इन प्रोड्यूसिंग साउंड एंड वोकलाइजेशन इन बर्ड। ठीक है, एक तरीके से साउंड जो प्रोड्यूस होता है बर्ड्स में, चिरपिंग वाली जो साउंड्स होती है वो इनके एयर सैक्स के मदद से ही होता है। इनमें रेजोनेटिक चैम्बर्स पाए जाते हैं और एक तरीके से साउंड्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है। किसके द्वारा, तो सिरनिक्स द्वारा, है ना, एवियन वोकल ऑर्गन कहलाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव यूनिक वोकलाइजेशन एंड द एयर सैक्स कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोकलाइजेशन जो है एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग बर्ड्स में आपको अलग अलग टाइप के एयर सैक्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह के साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। पाँचवा यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं बोयंसी को। तो एयर सैक्स जो है प्रोवाइड करते हैं बोयंसी टू बर्ड्स, पर्टिकुलरली एक्वेटिक स्पीसीज जो बर्ड्स के पाए जाते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि पानी में तैर सकते हैं ना, बैठ जाए तो तैर जाते हैं, बत्तख लाइक बर्ड जो होते हैं आपके। एयर फील्ड सैक्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल द बॉडी बोयंसी, बोयंसी मतलब बॉडी को डूबने से ये बचाता है और इजी मेकिंग इट इजियर फॉर बर्ड्स टू स्टे फ्लोट वाटर स्विमिंग और डाइविंग। ठीक है, तो स्विम और डाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो देन यहाँ पे ये थोड़ी सी समरी आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इनमें से दो में किसी में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो ये दो लिख लीजिए, चाहे तो ये दो लिख लीजिए, या जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप कर सकते हैं। तो देखिए, कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट्स, इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है विजन इन ऑर्थ्रोपॉड्स, है ना, तो ये चीज़ आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको ये करना है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश के बारे में बताना है, किस तरीके से वाटर वस्कुलर सिस्टम वर्क करता है तो उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। देन ऑस्मो रेगुलेशन इन फिश किस तरीके से करते हैं फिश, तो वो भी मैं बताऊंगा। देन फ्लाइंग मैमल्स के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आपका बैट होता है ना फ्लाइंग मैमल, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट से। तो देखिए, कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो ये एक यूनिक विजुअल ऑर्गन होता है जो कि आपके इंसेक्ट्स में पाया जाता है, या मैं कहूँ सभी ऑर्थ्रोपॉड्स, मतलब ज़्यादातर ऑर्थ्रोपॉड्स में पाए जाते हैं। ये जो बना किसका होता है, तो ये कंपोज ऑफ न्यूमरस इंडिविजुअल यूनिट, इनमें एक विजुअल यूनिट्स पाए जाते हैं जिसे हम ओमेटीडिया कहते हैं। ओमेटीडिया कैसे एक्ट करता है, तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स को, है ना। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो कंपाउंड आई जो है यहाँ पे क्या कंसिस्ट करता है, तो लार्ज नंबर ऑफ इसमें क्या पाए जाते हैं, हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं, जो कि एक किस पैटर्न में होते हैं, तो गाइज ये मोजेक पैटर्न में होते हैं, इस तरीके के होते हैं ना, आपने मॉस्क्यूटो के या फिर मक्खी के आँख देखे होंगे, तो कुछ इस तरीके के पैटर्न होते हैं और इसमें हेक्सागोनल पैटर्न बना होता है, और ये किस तरीके लगते हैं स्ट्रक्चर, तो मोजेक पैटर्न बन जाता है इनमें, है ना, धुंधला टाइप। देन ये ईच ओमेटिडियम क्या है, ये लेंस कंटेन करते हैं, यानी प्रत्येक ओमेटिडियम के पास इनका खुद का लेंस होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और साथ ही नर्व फाइबर भी होता है, यानी इनके ओमेटिडियम के साथ कई सारे नर्व फाइबर भी इनसे जुड़े हुए होते हैं। देन लेंस की बात करें तो ये टिपिकली कैसे होते हैं गाइस, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनका फोकस लाइट जो होता है वो किन के ऊपर होता है, तो फोटो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर होता है, जो इनके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। देन इनकी बात करें वाइड फील्ड व्यू की, तो जो कंपाउंड आई होता है गाइस वो प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को वाइड फील्ड व्यू, है ना, मतलब दूर तक, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रेंज में वो क्या कर सकता है, देख सकता है, और अलाउ देम टू डिटेक्ट मूवमेंट एंड परसीव देयर सराउंडिंग्स इफेक्टिवली। ये क्या कर सकता है, ये जो भी उसके सराउंडिंग में किसी प्रकार की मूवमेंट हो रही है उसको क्या कर सकता है, परसीव कर सकता है ना, समझ सकता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ही क्लियर दिखता है, उसको मोज़ेक लाइक पैटर्न, मतलब कई सारे उसके इमेज फॉर्म हो रहे होते हैं उसके आईज में, है ना। तो देन कुछ इस तरीके से द मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ ओमेटिडिया गिव्स इंसेक्ट्स अ पैनोरामिक व्यू। तो जो इनका ओमेटिडिया का जो मोज़ेक अरेंजमेंट होता है, इससे एक पैनोरामिक व्यू उनमें एक तरीके से आता है। पैनारोमा जो एक तरह का मोड होता है, आपने देखा फोन में, स्मार्टफोन में होता है ना, तो वो क्या होता है कि लॉन्ग एरिया को वो कवर कर लेता है, तो इसी तरीके से वो लार्ज एरिया में उनका क्या होता है, कवरेज होता है उनकी आईज की, है ना। जैसे कभी आपने मक्खी को पकड़ने की कोशिश की होगी तो मक्खी उड़ जाता है एकदम से, है ना, तो वैसा ही इसमें देखने को मिलता है। देन ये एनेबल करता है डिटेक्ट करने में कि प्रेडेटर प्रे और किस तरीके से मेट्स वगैरह जो करते हैं, ये वेरियस एंगल्स में ये मतलब देख के ये सारे काम वगैरह हो जाते हैं इनके। देन मोशन डिटेक्शन की बात करें तो इसमें जो कंपाउंड आई है इज़ हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, यानी ये हाईली सेंसिटिव होता है ना लाइट इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेकिंग इट एक्सलेंट फॉर डिटेक्टिंग मोशन, यानी ये मोशन को काफ़ी तेजी, मतलब काफ़ी जल्दी क्या कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है, एक्सलेंटली ये क्या कर लेता है, समझ पाता है उस चीज़ों को। इंसेक्ट क्या करता है, क्विकली डिटेक्ट करता है मूवमेंट को एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है, एंड प्रेडेटर के वर्डन को भी, है ना, और प्रे कैप्चर करना हो तो भी ये देख लेता है, नेविगेशन अगर कहीं जगह पे का पता लगाना तो वो भी कर लेता है ये आसानी से, इजीली। देन लिमिटेड रेजोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपके कंपाउंड आई होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू, ये जैसा कि मैंने बताया है पैनोरामिक व्यू प्रोवाइड कराते हैं, ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड कराते हैं, तो इनमें जो रेजोल्यूशन होता है इज रिलेटिवली लो कंपेयर टू द सिंगल लेंस एरियाज। कभी आप क्या है अपने दोनों आँखों से वाइड रेंज देखने की कोशिश करिए, ऐसा आप क्या है कि 360 देखने की कोशिश करिए, तो आपको चीज़ें क्या होंगी, धुंधली दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई नहीं देंगी या फोकस एडजस्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि ये ब्रॉड फील्ड में देख सकते हैं तो इनका जो रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा कम होता है इनके सिंगल लेंस का, वर्टिब्रेट्स का, और ईच ओमेटिडियम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ ओवरऑल इमेज, यानी जो भी एक इमेज का फॉर्मेशन है उसमें प्रत्येक ओमेटिडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, रिजल्टिंग इन अ ग्रेनी और पिक्सर रिलेटेड विजुअल परसेप्शन फॉर इंसेक्ट, ठीक है। तो जो उनका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ग्रेनी होता है, पिक्सर रिलेटेड होता है, विजुअल परसेप्शन फॉर इंसेक्ट्स। देन बात कर ले इसमें स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी की, डिफरेंट ओमेटिडिया मे हैव वेराइंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटीज़, तो अलग अलग तरह के जो ओमेटिडियाज पाए जाते हैं ये वेरियस स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटीज शो करते हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है इंसेक्ट को परसीव वाइड रेंज ऑफ कलर, यानी कई सारे जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो एक तरीके से वो देख सकता है, साथ ही सम इंसेक्ट्स सी कैन सी अल्ट्रा वॉलेट लाइट, अल्ट्रा वॉलेट लाइट हमारी आईज तो नहीं देख सकती, इसी तरीके से जो इंसेक्ट की आईज होती हैं वो अल्ट्रा वॉलेट लाइट जो है वो देख लेते हैं, है ना, इनविजिबल होता है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए इनविजिबल होता है ये लाइट। एडिशनली इन्फॉर्मेशन की बात करें अबाउट फ्लावर नेक्टर गाइडेंस की, तो यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट विजुअल क्यूज जो हमें एनवायरमेंट मिलते हैं तो इनमें काफ़ी बड़ा रोल होता है इनके कॉम्प्लेक्स आईज का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें कि आपको क्या है वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश के बारे में डिफाइन करना है। हमने स्टारफिश के बारे में पढ़ा था तो उसके ट्यूब फीट और लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से ट्यूब फीट से इसके लोकोमोशंस भी होते हैं ना,
ना, इस तरीके का स्टार फिश होता है। और स्टार फिश में क्या है, बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, इसमें से वाटर क्या है ये प्रेशर से छोड़ता है, जिसके कारण ये मूवमेंट भी कर पाता है। तो समझेंगे इसी चीज़ को, किस तरीके से वस्कुलर सिस्टम एंड मैड्रेपोराइट इनके बीच में पाया जाता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्म्स इंक्लूडिंग स्टार फिश। यानी ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है एक यूनिक हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिस जो कि आपके सभी इकाइनोडर्म्स यानी आपके स्टार फिश में तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी से बहुत से इकाइनोडर्म्स में भी आपके मिलते हैं। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, लोकोमोशन में, रेस्पायरेशन में और फीडिंग में भी, सेंसरी परसेप्शन में भी ये करता है। देन यहाँ पे हम कुछ की एस्पेक्ट्स की बात करें वस्कुलर स्टार फिश वस्कुलर सिस्टम की, स्टार फिश के वाटर वस्कुलर सिस्टम की। तो देखिए यहाँ सबसे पहला ट्यूब फिट आता है। तो ट्यूब फिट किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, तो देखिए द वाटर वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स इनटू क्या है, ट्यूब फिट। यानी वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है, इसके अंदर जो वाटर वस्कुलर सिस्टम जो जा रहा होता है इस तरीके से मैड्रोपोराइट से अटैच होते हुए, ये क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लूड फिल्ड कैनाल, मतलब फ्लूड फिल्ड कैनाल का एक नेटवर्क होता है ना, उसी को हम ट्यूब फिट कहते हैं। ट्यूब फिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मस्कुलर होता है और एक्सटेंडेबल होता है, यानी उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है एक्सटेंड भी हो सकता है। बात करें ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो अंडर साइड ऑफ द स्टार फिश आर्म, स्टार फिश के आर्म के अंडर साइड में क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, ट्यूब फिट्स होते हैं। दे आर ऑपरेटेड बाय वाटर प्रेशर, रेगुलेटेड बाय वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये किनके द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, तो ये वाटर प्रेशर द्वारा ऑपरेटेड होते हैं और रेगुलेट भी उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें लोकोमोशन की, तो स्टार फिश जो है ये इस वाटर वस्कुलर सिस्टम को एज अ लोकोमोशन भी यूज़ करता है। तो कैसे, तो देखिए स्टार फिश यूज़ देयर वाटर वस्कुलर सिस्टम टू मूव एंड क्लिंग टू वेरियस सबस्ट्रेट्स। यानी बहुत सारे अलग अलग जगहों से अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम इनकी हेल्प करता है मूवमेंट में। बाय कंट्रोलिंग द वाटर प्रेशर, वो क्या करता है, अपने ट्यूब फीड से वाटर प्रेशर को कंट्रोल करता है। स्टार फिश कैन एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट देम, स्टार फिश जो है अपने क्या है, फीट को एक्सटेंड और रिट्रैक्ट भी कर सकता है, और साथ ही उसमें एक फोर्स लगता है जो कि एक क्रिएटिंग सक्शन क्रिएट करता है, यानी एडहेसिव फोर्स। यानी जब किसी अपने ऑर्गेनिज्म को के साथ चिपकना हो या फिर क्या किसी स्टोन पे जाके चिपकना हो, तो एक तरीके का एडहेसिव फोर्स होता है जो कि उसे सरफेस पे खुद को होल्ड रखने में उसकी हेल्प करता है। बात कर ले फीडिंग की, तो जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो क्या है, एक एड हेल्प प्रोवाइड कराता है इन द फीडिंग प्रोसेस ऑफ स्टारफिश। यानी किस तरीके से स्टारफिश फीड कर सकती हैं, उसमें हेल्प प्रोवाइड कराता है, एड प्रोवाइड कराता है। When prey is detected, the tube feet extended and grabs the prey. क्या होता है, जैसे ही वो प्रे को डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, ट्यूब फिट वो उसे ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए या चिपकने के लिए वो आगे बढ़ जाता है प्रे को पकड़ने के लिए। देन पुलिंग इट टवर्ड्स द स्टार फिश माउथ, ये क्या करता है, स्टार फिश उसका माउथ पकड़ता है एंड क्या करता है, वो उसको अपने माउथ के करीब लाता है, क्योंकि उसका जो माउथ होता है वो बिल्कुल अपने माउथ के क्लोजर लाता है और उसके बाद उसे ईट कर देता है, खा जाता है ना। देन वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑल्सो असिस्ट इन द इजेक्शन ऑफ स्टोमक एंड डाइजेशन ऑफ प्रे आउटसाइड द बॉडी। यानी वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या करता है, इजेक्शन करना हो स्टोमक से, जो भी डाइजेशन के बाद वेस्ट मेटल बचता है उसको इजेक्शन में भी ये काम आता है। यहाँ पे अगला है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो गाइज ऑक्सीजन एक्सचेंज अकोर अक्रॉस द थिन वॉल ऑफ द ट्यूब फिट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम। यानी ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे होता है, जो इनमें थिन वॉल्स पाए जाते हैं किनमें, ट्यूब फिट में, तो ये अदर पार्ट ऑफ द वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ से ये वाटर एक्सचेंज कर पाते हैं, अलाउ करता है स्टारफिश को रेस्पायरेशन के लिए, है ना। और ऑक्सीजन रिच सी वाटर एंटर्स द सिस्टम एंड इट एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यूज। ऑक्सीजन रिच सी वाटर जो है वो एंटर कर जाता है इसके वाटर वस्कुलर सिस्टम में, और वो प्रत्येक टिश्यू ईच टिश्यूज तक क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाता है उस टिश्यूज से या सेल से एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब बात कर ले हम सेंसरी परसेप्शन की, तो किस तरीके से सेंसिंग में काम आता है, तो ट्यूब फिट ऑफ स्टार फिश कंटेन सेंसरी सेल्स। ये क्या करते हैं, स्टार फिश पे बहुत सारे सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करता है टच को, केमिकल और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको भी डिटेक्ट करने का काम करता है। अब ये सेंसरी सिग्नल्स क्या होते हैं, तो आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी वाटर वस्कुलर सिस्टम टू दी स्टार फिश नर्वस सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम से स्टार फिश के नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट होता है और ये कंट्रीब्यूट करता है एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग। ठीक है, मतलब एक तरीके से किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के
सेंस करना है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है ना। तो कुछ इस तरीके से वाटर वास्कुलर सिस्टम के रिमार्केबल एडाप्टेशन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा, नेविगेशन, देयर इन्वायरमेंट, प्रे कैप्चर, कैप्चर प्रे, रेस्पायर, परसीव देयर सराउंडिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन बात कर ले यहाँ पे तीसरा, ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेज, यानी जो फिशेज हैं वो किस तरीके से आयन को बैलेंस करती है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वाटर, यानी इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करती है, मेंटेन करती है स्टेबल बैलेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करती है, और सॉल्यूट्स का भी, जो वाटर में बहुत सारे सब्सटेंस घुले होते हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करती है बॉडीज में। बात करें फिश की, तो यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ये फिश, चैलेंजिंग चैलेंज ऑफ रेगुलेटिंग देयर इंटरनल वाटर एंड आयन बैलेंस इन अ वाटरी इन्वायरमेंट, यानी ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फेस करती है बहुत सारे चैलेंजेस को जो कि इंटरनल वाटर आयन को बैलेंस करने के रिगार्डिंग होता है ना। तो वाटरी इन्वायरमेंट रहती है तो बहुत सारे जो आयन्स होते हैं या सॉल्यूट होते हैं उसके फिश के अंदर चले आते हैं, तो उसको रेगुलेट कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले पहले यहाँ पे ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, आईसो, और ये सारे आपने सॉल्यूशंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट फिश लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मीनिंग डैट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सराउंडिंग वाटर इज लोअर देन डैट इज देयर बॉडी फ्लूड्स, यानी यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होता है गाइस सॉल्यूट का वाटर के सराउंडिंग, वो क्या होता है, बॉडी फ्लूड से क्या होता है गाइस, कम होता है, यानी ब्लड बॉडी फ्लूड्स में जो आयंस वगैरह होते हैं उसके कंपैरिजन में आपके जो बाहर में जो आयंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, द पॉजेज पॉजेज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ वाटर अपटेक थ्रू द ऑस्मोसिस एंड द लॉस ऑफ एसेंशियल आयंस। या आप सभी को मालूम है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है, तो बाहर में कंसेंट्रेशन कम होने के कारण बॉडी के जो आयंस हैं वो लॉस होने का काफ़ी ज़्यादा चांस बना रहता है। अब बात कर ले फ्रेश वाटर फिशेज की, तो फ्रेश वाटर फिश जो है फेस द रिस्क ऑफ एक्सेसिव वाटर अपटेक। फ्रेश वाटर फिश का क्या होता है, तो यहाँ पे ये एक्सेसिव वाटर अपटेक का जो रिस्क जो है लगातार बना रहता है इनमें। द काउंटर एक्ट दिस दे हैव स्पेशलाइज एडप्टेशन सच एज प्रेजेंस ऑफ अ डायल्यूट यूरिन प्रोडक्शन, एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस थ्रू स्पेशलाइज गिल सेल्स एंड रिड्यूस ड्रिंकिंग रिस्पॉन्स। यानी आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पीसीज होते हैं, फ्रेश वाटर में जो कंसनट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है गाइस, लो होता है, और जिस कारण क्या होता है कि उनके एक्सेसिव वाटर के फिश क्या कर ले, एक्सेसिव वाटर फ्रेश वाटर में अपटेक ना कर ले, है ना। तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक स्पेशलाइज एडप्टेशन होता है इनमें, सच एज द प्रेजेंस ऑफ ए डायल्यूट यूरिन प्रोडक्शन, यानी वो क्या होता है, डायल्यूट यूरिन को किस तरीके से डायल्यूट करा जाता है ना, है ना। तो ये डायल्यूट यूरिन प्रोडक्शन एक एडप्टेशन होता है, जैसे कि कैसे होता है, तो एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस थ्रू स्पेशलाइज्ड गिल सेल्स, ये क्या करते हैं, एक्टिव अपटेक आयंस होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड गिल सेल्स की मदद से इनटेक कर लेते हैं और रिड्यूस करते हैं ड्रिंकिंग रिस्पॉन्स को, है ना, कि वाटर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पी ना ले, है ना, ड्रिंक ना कर ले या फिर ज़्यादा ऑस्मोसिस ना हो जाए जिससे वाटर का कंसनट्रेशन उनकी बॉडी में बढ़ जाए। बात कर ले मरीन फिश की, तो मरीन फिश का जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक नहीं होता, हाइपरटोनिक, यानी बाहर में कंसनट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का वो ज़्यादा होता है और अंदर में जिसका जो कंसनट्रेशन होता है वो कम होता है। यहाँ पे देखिए, तो मरीन फिश लिव है ना हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, है ना, जैसा कि उसमें NaCl जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है मरीन एनवायरनमेंट में कंपेयर देयर बॉडी फ्लूड्स। तो बॉडी फ्लूड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट्स आप उनके एनवायरनमेंट में होता है, और ये जो फिश है ये फेस करते हैं चैलेंज ऑफ वाटर लॉस, यानी इनके बॉडी से वाटर लॉस होने की जो संभावना होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, किससे, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सेस, मतलब एक तरीके से एक्स सॉल्ट्स को भी अपटेक कर सकते हैं। तो ये जो है चैलेंज को किस तरीके से फेस किया जाता है फिश के द्वारा, तो इनके पास भी अडेप्टेशन होता है, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं एक्सेस सॉल्ट को, किनके मदद से, तो इनमें स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स पाए जाते हैं इनके गिल सेल्स में, है ना, ये क्या करते हैं, जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूनिट यूरिन होता है उसके जरिए ये क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं एक्स्ट्रा जब क्लोराइड या सोडियम का इंटेक कर लेते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, रिलीज भी कर देते हैं। अब यूरी हेलाइन की बात करें, यूरी हेलाइन फिशेज की, तो यूरी हेलाइन फिशेज जो हैं इंक्लूड सम स्पीसीज जो कि आपके सेलमोन और ईल्स होते हैं, जो कि टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटीज़ को, यानी कितना भी पानी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा नमकीन ही क्यों ना हो पानी, उसको भी वो क्या कर जाते हैं गाइस,
टॉलरेट कर लेते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट द ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये ऑस्मोसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है, तो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना, कि किस तरीके से कब उनको रेगुलेशन करना है, किस एलिमेंट का रेगुलेशन करना है। दिस अलाउज देम टू माइग्रेट बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर हैबिटेट, है ना। तो ये क्या करती है, ये फिशेज जो है आपके, ये फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में भी ये माइग्रेट कर लेते हैं ईजिली, है ना, इनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे किडनीज और गिल्स की, तो इन फिश किडनीज प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग वाटर एंड आयंस बैलेंस बाय फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। यानी फिशेज की बात करें तो फिशेज में जो किडनी है जो रोल प्ले करती है, क्या है कि वो वाटर को रेगुलेट करती है, आयंस को बैलेंस करती है, किसके जरिए, तो फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है। आमतौर पर हमें हमारे बॉडी में भी कुछ इसी प्रकार का आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। गिल्स बिजाइड्स द रेस्पायरेटरी फंक्शन, गिल्स का काम क्या होता है, रेस्पायरेटरी फंक्शन होता है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट किस में करते हैं, तो आयन एक्सचेंज में भी ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, साथ ही साथ वाटर में वाटर रेगुलेशन करते हैं बाय एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग आयन्स अक्रॉस देयर सर्फेस, है ना। वो क्या करते हैं, आयन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं अक्रॉस देयर सर्फेस, अपने सर्फेस से बाहर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि पूछा गया है फ्लाइंग मैमल्स के बारे में, बैट्स के बारे में। तो देखिए, बैट्स आर ओनली मैमल्स कैपेबल ऑफ सस्टेन फ्लाइट, यानी बैट्स आपके जो एक ओनली मैमल होते हैं जिनके पास क्या होता है, फ्लाइट कैपेबिलिटी होती है, वो उड़ सकते हैं। सेवरल यूनिक एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा इनके अंदर, फ्लाई एंड नेविगेट इन दी है, ये हवा में भी खुद को क्या कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर ले इसके विंग्स की। बैट्स के विंग्स होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, उनके फोर लिम्स में उनके विंग्स अटैच होते हैं, उनमें क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन ऑफ स्किन स्ट्रेच बिटवीन देयर फिंगर्स, इनके फिंगर्स के बिटवीन क्या होते हैं, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है स्किन की, जो कि स्ट्रेच हो रही होती है और एक तरीके से विंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये अडेप्टेशन क्या करता है, अलाउ करता है देम टू जनरेट लिफ्ट एंड मैन इवर इन दी एयर, है ना, एक तरीके से जनरेट किसी चीज़ को क्या है, अलाउ करता है कि ये खुद को क्या कर सके, लिफ्ट कर सके एयर में। और जो विंग्स होते हैं बैट्स के, ये कैसे होते हैं, तो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, आप सभी को पता होगा, क्योंकि देखिए इनके स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है, होमोलोगस भी कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन भी हो गया, एनालॉगस जो भी कही है। तो एंड इंसेक्ट्स बट डिफर देयर इन स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सीबिलिटी, है ना, ये क्या होते हैं, बर्ड और इंसेक्ट के एनालॉगस होते हैं, बट हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स और फ्लेक्सीबिलिटी के, तो ये दोनों ही अलग अलग आपके हो सकते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स से अलग अलग हो सकते हैं बैट्स के। बात करें फ्लाइट टेक्निक्स की, तो बैट्स एम्प्लॉय वेरियस फ्लाइट टेक्निक्स, बैट्स क्या करते हैं, बहुत सारी फ्लाइट टेक्निक्स को एम्प्लॉय करते हैं, इंक्लूडिंग फ्लैपिंग फ्लाइट, ये क्या करते हैं, फ्लैपिंग फ्लाइट भी करते हैं, ग्लाइडिंग भी करते हैं, होवरिंग भी करते हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं। और फ्लैपिंग फ्लाइट्स की बात करें, तो अलाउ देम टू जनरेट लिफ्ट एंड प्रोपल्सन, यानी फ्लैपिंग फ्लाइट जब करते हैं, जब ये पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो एक जनरली वो क्या करते हैं, खुद को लिफ्ट कर रहे होते हैं, और प्रोपल्सन यानी खुद को आगे ढकेल रहे होते हैं, ऊपर की ओर ढकेल रहे होते हैं ना। और वाइल ग्लाइडिंग एनेबल देम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, और जब उनको क्या है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो वो क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, है ना, बिना क्या करते हैं, फ्लैप किए पंख को सीधा रख के एक जगह से दूसरे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने का काम करते हैं विद मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर। ग्लाइडिंग में क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो सम बैट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ होवरिंग, कुछ बैट्स होते हैं गाइस जो कि आपके होवरिंग भी कैपेबल होते हैं, सिमिलर टू हमिंग बर्ड्स, जैसे कि आपके हमिंग बर्ड्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होवरिंग कर पाते हैं। अब इको लोकेशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये अपने इको से लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो बैट्स यूज इको लोकेशन टू नेविगेट एंड लोकेट प्रे इन द डार्क, यानी ये अंधेरे में भी अपने प्रे को क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, है ना, नेविगेट कर लेते हैं, किसके जरिए, तो ये इको लोकेशन के जरिए कर पाते हैं। ये क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे एमिट हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स के, है ना, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स वेव्स जो है प्रोड्यूस करते हैं अपने इकोस के माध्यम से, है ना। और जब इकोस जब उनकी वापस जब आ रही होती है, जो इकोस प्रोड्यूस होता है उसको फिर ये सुनते हैं। तो जो साउंड वेव्स होता है ये बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस आता है तो ये सुन लेते हैं, ये चीज़ आपको मालूम भी होगी। बाय इंटरप्रेटिंग द रिटर्निंग इकोस, ये क्या है, जैसे कि ये जो इकोस है जो रिटर्न आ रही होती है तो उसको इंटरप्रेट करता है। बैट्स कैन बिल्ड अ डील्ड
डिटेल्ड ऑडिटरी मैप ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग की क्या है, सुन सुन के एक मैप भी प्रिपेयर कर लेता है ना। देन बात कर ले इसके नॉक्टर्नल एडेप्टेशन की, है ना, बैट को दिखता नहीं है ना, ये चीज़ मालूम होगा आपको। नॉक्टर्नल एडेप्टेशन की बात करें, वैसे जीव जो कि रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो बैट्स आर प्रीडोमिनेंटली नॉक्टर्नल एनिमल्स हैविंग इवॉल्व एडेप्टेशन टू थ्राइव टू लो लाइट कंडीशन। यानी बैट्स जो है आपके प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, क्योंकि ये एडप्ट जो हुए वो किससे हुए, तो लो लाइट कंडीशन में ये एडप्ट हुए, इवॉल्व हुए हैं। देन ये पोजेस करते हैं इनहेंस लाइट विजन, दे पोजेस इनहेंस लाइट विजन एंड हैव हायर डेंसिटी ऑफ रॉड सेल्स इन देयर रेटिनास। ये क्या पोजेस करते हैं, ये नाइट विजन को इनहेंस करने के लिए इनमें हायर डेंसिटी के रॉड सेल्स इनके रेटिनाज में पाए जाते हैं। ये बैट सेल स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन की बात करें, जिसमें ऑडिटरी सिस्टम होता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है प्रोसेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को। देन इसके डाइट एंड इकोलॉजी की बात करें, तो बैट्स हैव डाइवर्स डाइटरी हैबिटेट्स, बैट्स के पास बहुत ही ज़्यादा इनमें वैरायटीज होती है उनको फीडिंग करने के लिए, और रेंजिंग फ्रॉम इंसेक्टिवोरस टू फ्रजीवोरस या फिर संगुईवोरस, है ना। यानी क्या है, ये इंसेक्टिवोरस से ये फ्रूजीवोरस भी हो सकते हैं, फ्रूजी यानी फ्रूट वगैरह जो ईट करते हैं ना, वो फ्रूट पे डिपेंडेंट, तो फ्रूजीवोरस भी हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस यानी जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, और सेंगवी वॉरस की बात करें यानी जो ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं, जो फीड ब्लड से करते हैं ना। तो ये सभी जिसे हम कहते भी ना वैम्पायर, है ना, बैट का नाम वैम्पायर भी होता है। देयर डाइट एंड फॉरेजिंग बिहेवियर प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इनका जो एक तरह का डाइट का जो फॉरेजिंग बिहेवियर है, एक तरीके से वाइटल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डायनेमिक्स में, सच एज पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है ना, और इंसेक्ट कंट्रोल यानी बहुत सारे जो पेड़ों पर पे इंसेक्ट्स लग जाते हैं उनको वो खा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बैट जो है हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। एबिलिटी ऑफ बैट्स फ्लाई अलाउ देम ऑक्यूपाई यूनिक इकोलॉजिकल नीचेज एंड एग्जिबिट रिमार्केबल एडेप्टेशन फॉर एरियल लाइफ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक इकोलॉजिकल नीचेज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और रिमार्केबल एडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है एरियल लाइफ में, मतलब जो भी है ये हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। इनके फ्लाइट जो होती है और इको लोकेशन होता है कैपेबिलिटीज़, इनको क्या बनाती है, इंक्रीजली स्किल्ड एंड सक्सेसफुल मेमल बनाती है इन डाइवर्स हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जितने भी आपके स्पीसीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्षम स्किल्ड बनाती है इसे, ठीक है। तो देन इतना ही रहेगा आज का ये टॉपिक, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने कोशिश करी आप सभी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बाकी इसका आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग को। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।